नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जोधपुर में नई सड़क चौराहे पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा नवनिर्मित यातायात सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान यातायात जागरूकता के लिए बाइक रैली भी निकाली गई। यातायात पुलिस के लिए नई सड़क पर नया कैबिन नुमा सहायता केंद्र बनाया गया। इसका निर्माण AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सामाजिक सेवाओं के तहत करवाया है। इस सहायता केंद्र के जरिए आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही यहां ड्यूटी करने वाले यातायात कर्मियों के लिए यह विश्राम स्थली भी होगा। इस सहायता केंद्र का शुक्रवार सुबह यातायात पुलिस अधिकारियों और बैंक अधिकारियों ने फीता काटकर किया। इसके बाद यहां से जालोरी गेट होते हुए अखालिया चौराहे तक एक बाइक रैली भी निकाली गई। रैली में आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हम मतलब कराते हैं जितनी हो सकती है डिपार्टमेंट से। आपकी बहुत बढ़िया एक पहल है, उम्मीद करता हूँ इसी तरह जो जवान खड़े रहते हैं रोड पे, ये दो बढ़िया AU फाइनेंस पहले भी हमारे ब्रेक लगाना है, होल्ड लगाना है, काफी काम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इनका आज हमारे पुलिस कमिश्नर जोधपुर के उच्च अधिकारियों की प्रेरणा से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से गुमटी का जो निर्माण हुआ है, ये बहुत ही आधुनिक भव्यतम गुमटी बनी है। और वास्तव में ट्रैफिक पुलिस की पीड़ा जो इन्होंने देखी है, जो नवाचार किया है, बहुत ही अच्छी गुमटी है। गर्मी के अंदर धूप के लिए इसमें अंदर पंखा भी लगा हुआ है और बहुत ही सुविधाजनक है। मैं पूरी यातायात पुलिस परिवार की तरफ से AU फाइनेंस स्मॉल बैंक का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपने नई सड़क चौराहे पर और एक बारी रोड चौराहे पर जो गुमटियां बनाई है, बहुत ही एक आधुनिक वातानुकूलित जो गुमटी निर्माण हुई है, इसे गर्मी में राहत, बारिश के अंदर इसके अंदर बैठ सकते हैं या सर्दी के अंदर हर मौसम में ये बिल्कुल ही अनुकूल है। और बाकायदा बहुत ही अच्छी गुमटी बनी है, इसे बहुत कुछ हेल्प मिलेगी और सुविधा होगी। मैं चिरंतन कोठारी AU की पूरी टीम से ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें। एंड मैं चौधरी साहब और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमें मौका देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ हमें ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे और हम जनता के साथ ट्रैफिक पुलिस टीम के साथ मिलकर और भी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं चिरंतन कोठारी, रीजनल हेड जोधपुर।